महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। बिहार में बाढ़ की तबाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी में बाढ़ ने अच्छी खासी तबाही की है। बाढ़ से अब तक 104 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल और उत्तर बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। बारिश और नेपाल के छोड़े गए पानी के कारण बिहार में बाढ़ की तबाही चल रही है। बागमती, बूढ़ी गंडक, लखनदेई, कमला बलान, इन नदियों ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ है, जिससे गांव के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, शिवहर, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा आदि जिलों में 62 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों का कहना है कि सरकार की मदद अभी तक उन्हें नहीं मिली है। जहां तक हमारे कैमरे चले जाते हैं वहां तक सरकार की मदद अभी तक नहीं पहुंची है। लाखों लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं और बाढ़ में फंसे हुए हैं। अगर आप इन बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर पेटीएम या फोन पे कर सकते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और विजिट करें www.muzaffarpurlivenow.com। आवेदन नहीं किए हैं एक बार देखने की क्या हमको जनता है, कैसे है, नहीं है, घर द्वार है कि पन्नी उन्नी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं। अभी तक कोई देखिए रहे हैं, आप अन्य आप टहल रहे हैं सर, कहीं है कोई सुविधा सरकारी संपत्ति से कोई अथी? हम लोग के देखे यहाँ से आवागमन से निकाल दे, हम लोग बाहर अपना जमीन उमीन घर कहीं मरैया बना कर रहेंगे, अपना व्यवस्था में रहेंगे लागल। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।